हे गाइस, मैं कनोज कृषि जी के। तो गाइस, इंडियन नेवी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल चुकी हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो है 2,700 के अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी निकली हैं। डबल ए एंड एस एस आर में जी जो वैकेंसी निकली हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए, एस एस आर एंड डबल ए की वैकेंसीज है। डबल ए की जो वैकेंसी है वो है 500 एंड एस एस आर की जो वैकेंसीज है वो है 2,200। ठीक है, तो 2020 के लिए फरवरी मंथ के लिए जे बैच स्टार्ट किया गया है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबल ए के बारे में। तो डबल ए के लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो 12th, अगर आप 12वीं पास हैं विद 60% मार्क्स, लेकिन साथ में आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए, आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स ये दोनों सब्जेक्ट कंपल्सरी होने चाहिए, साथ में केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आ चुकी है। उसके अलावा एसएसआर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 2,200 वैकेंसीज है इसमें। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए, तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एसएसआर एंड डबल ए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो गाइस, काफी कम कैंडिडेट्स होंगे जिसकी एज लिमिट इसके बीच में होगी, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है। 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2003 तक अगर आपकी इसके बीच में एज आपकी है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा, इससे कम वाले, एक भी दिन ज्यादा है अगर जा कम है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले डबल ए की बात करेंगे। डबल ए में जो होगा, सबसे पहले होगा आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट एंड लास्ट में आपका होगा मेडिकल टेस्ट। बिल्कुल सेम मेथड जो एसएसआर के लिए अपनाया जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा, इसमें क्या आएगा आपको वो इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले अदर इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो गाइज, आप ऑनलाइन फॉर्म 28 जून 2019 से लेकर 10 जुलाई 2019 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास तकरीबन 12 दिन ही हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप मेरी मानिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से अप्लाई करें, क्योंकि जैसे ऑनलाइन स्टार्ट होते हैं जल्दी से अप्लाई करें। लास्ट डे तारीख का वेट करेंगे तो ये साइट है बहुत ही जल्दी बिजी हो जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया जाएगा, www.joinindiannavy.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे जाइए, वहां पे अप्लाई का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो वीडियो भी बना दूंगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो फीस जो रहेगी वो एससी एसटी, इनकी कोई भी फीस नहीं है, बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी की जो फीस है वो है 201 201 जो है वो फीस रहेगी। तो लास्ट तारीख एक बार फिर से आपको बता दूं, 10 जुलाई इसकी लास्ट है, 28 जून 2019 को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो गाइज, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा डबल ए एंड एस एस आर में। 100 क्वेश्चन आपको आएंगे, हर क्वेश्चन का एक मार्क मिलेगा आपको। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज, ये चार सब्जेक्ट आपको आएंगे जो कि 12th के बेस पर ही होंगे। तो जो जिन कैंडिडेट्स ने अभी अभी 12th की है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो अभी टच हैं स्टडी से, इसलिए बहुत ही अच्छा आप इस एग्जाम के लिए कर सकते हैं। टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 1 घंटा, 1 आवर आपको मिलेगा, जो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखा जाए, 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। अगर आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है उसके लिए आपको टाइपिंग फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट जो आपका होगा 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी, 7 मिनट, और 7 मिनट पे रनिंग होगी एंड 20 आपको उठक बैठक करनी होगी, 10 आपको पुशअप करने होंगे। तो ये होगा आपका फिजिकल टेस्ट में। उसके बाद अगर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपकी हाइट, आइज आइज विदाउट ग्लासेस आपकी जो आइज होनी चाहिए वो 6x6 होनी चाहिए। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए भी आपकी आईज जो होनी चाहिए, बेटर आईज 6x6 या रोस्ट आईज 6x6, ये हो आपकी आईज होनी चाहिए। तो गाइज, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके बताएं,
आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। ओके गाइज, आपने मुझे समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।